आज हम लोग बात करते हैं करंट अफेयर्स को लेके, क्योंकि हर एग्जाम में कम से कम कुछ ना कुछ क्वेश्चंस करंट अफेयर्स लेके होते हैं, जैसे कि सरकार की रिपोर्ट्स क्या क्या होती हैं, कुछ पत्रिकाएं अपना जो इंडेक्स जारी करती हैं वो क्या होती है, तो उसको लेके आज हम लोग सबसे पहले बात करने जा रहे हैं भारत सरकार के प्रमुख रिपोर्ट के बारे में। तो जैसा कि मैं आपको बताने जा रहा हूँ, पहला रिपोर्ट है स्वच्छ सर्वेक्षण रिपोर्ट। यानी कि स्वच्छ सर्वेक्षण रिपोर्ट के बारे में अगर बात करें, स्वच्छ सर्वेक्षण रिपोर्ट 2021, स्वच्छ सर्वेक्षण रिपोर्ट 2021 के बारे में अगर हम बताएं आपको, तो इसके बारे में देखा जाए तो यहां से एक क्वेश्चन बन सकता है डायरेक्ट, जैसे कि इसको जारी कौन करता है, इसको जारी करता है केंद्रीय आवास और शहरी मंत्रालय। स्वच्छ सर्वेक्षण रिपोर्ट जारी करता है केंद्रीय आवास और शहरी मंत्रालय। तो कौन जारी करता है? केंद्रीय आवास और शहरी मंत्रालय। इसमें होता क्या है, जनसंख्या के आधार पर शहरों का वर्गीकरण किया जाता है, यानी क्लासिफाइड किया जाता है कि कैसी या कितनी कितनी जनसंख्या कहाँ की है। और इस रिपोर्ट में इंदौर को लगातार पांचवें वर्ष भारत का सबसे स्वच्छ शहर घोषित किया गया। इंदौर कहाँ पड़ता है? जैसा कि पता है मध्य प्रदेश में पड़ता है। तो स्वच्छ सर्वेक्षण रिपोर्ट में इंदौर को भारत का सबसे स्वच्छ शहर घोषित किया गया। इसके बाद कौन है? सूरत, जो कहाँ पड़ता है? गुजरात में पड़ता है। उसके बाद विजयवाड़ा, जो आंध्र प्रदेश में है, इस रैंकिंग में क्रमशः दूसरा तीसरा स्थान है। तो आपको पता चल गया, स्वच्छ सर्वेक्षण 2021 के रिपोर्ट में अगर बात करें तो पहला स्थान किसका है, तो पहला स्थान इंदौर का है, जो लगातार पांचवें वर्ष भारत का सबसे स्वच्छ शहर घोषित किया गया। उसके बाद सूरत की बात करें तो जो गुजरात में है वो दूसरे स्थान पर है, और विजयवाड़ा जो कि आंध्र प्रदेश में है, इस रैंकिंग में तीसरा स्थान रहा। बात करें कि अगर जैसे देखा जाए कि अगर इसको कैटेगराइज किया जाए तो श्रेणी, एक मतलब श्रेणी रहेगी जिसमें कितनी जनसंख्या कितनी क्या है वो बताया जाएगा। उसके बाद सबसे स्वच्छ शहर, फास्टेस्ट मूवर सिटी के बारे में बात करें तो 1 लाख से अधिक जनसंख्या की श्रेणी में अगर बात करें कि वो शहर जिसमें 1 लाख से अधिक जनसंख्या निवास करती है वो है इंदौर, जो कि मध्य प्रदेश में है। और सिटी की बात करें, फास्टेस्ट मूवर सिटी की बात करें तो होशंगाबाद मध्य प्रदेश, अगर आपके पेपर में आता है फास्टेस्ट मूवर सिटी तो वो शहर है होशंगाबाद, वो भी मध्य प्रदेश में है। 1 लाख से कम जनसंख्या, अगर जहां पर 1 लाख, अभी इंदौर वाला क्या था, 1 लाख से अधिक जनसंख्या थी, अगर 1 लाख से कम जनसंख्या है तो वो सबसे स्वच्छ शहर है विटा महाराष्ट्र। 1 लाख से 3 लाख की जनसंख्या की श्रेणी में नई दिल्ली आता है। और अगर फास्टेस्ट मूवर सिटी की बात करें तो होशंगाबाद मध्य प्रदेश अगेन है। 3 लाख से 10 लाख जनसंख्या श्रेणी में नोएडा उत्तर प्रदेश, यानी 3 लाख से 10 लाख जनसंख्या श्रेणी में जो शहर है वो नोएडा है उत्तर प्रदेश का। और जो सिटी है फास्टेस्ट मूवर सिटी, उसमें आती हुबली धारवाड़ कर्नाटक की, 3 लाख से 10 लाख श्रेणी के बीच की है। नेक्स्ट आता है 10 लाख से 40 लाख जनसंख्या श्रेणी में नवी मुंबई में, जो महाराष्ट्र में पड़ता है, ठीक। जो और फास्टेस्ट मूवर सिटी की बात करें जो 10 लाख से 40 लाख की श्रेणी के बीच में आते हैं तो मेरठ यानी उत्तर प्रदेश। उसके बाद बात करें 40 लाख से अधिक जनसंख्या श्रेणी में अहमदाबाद गुजरात है सबसे स्वच्छ शहर। और जो फास्टेस्ट मूवर सिटी की बात करें तो वो आता है बृहत बेंगलुरु कर्नाटक। तो इस प्रकार से आपने देखा कि सबसे पहला पॉइंट आ गया, जैसे कोई भी क्वेश्चन आ जाता है तो इतना ज्यादा आपको ध्यान नहीं रखना है, लेकिन फिर भी अगर जनरली बात करें तो सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता है कि स्वच्छ सर्वेक्षण रिपोर्ट 2021 को कौन जारी करता है, तो जारी करता है केंद्रीय आवास और शहरी मंत्रालय। और अगर पूछा जाए सबसे साफ शहर यानी स्वच्छ शहर कौन सा है, तो लगातार पांचवें वर्ष भारत का सबसे स्वच्छ शहर इंदौर है, जो मध्य प्रदेश में पड़ता है। दूसरे नंबर पर गुजरात में सूरत, और तीसरे नंबर पर विजयवाड़ा जो कि आंध्र प्रदेश में है। 100 से अधिक शहरी स्थानीय निकाय वाले 13 राज्यों में सबसे स्वच्छ राज्य का अवार्ड, यानी 100 से अधिक शहरी स्थानीय निकाय वाले 13 राज्य। अगला रिपोर्ट जो हम बताने जा रहे वो राज्य को लेकर है, जो 100 से अधिक शहरी स्थानीय निकाय वाले 13 राज्यों में सबसे स्वच्छ राज्य का अवार्ड छत्तीसगढ़ पाया है। यानी 100 से अधिक शहरी स्थानीय निकाय वाले 13 राज्यों में
सबसे स्वच्छ राज्य का अवार्ड छत्तीसगढ़ पाया है, जो लगातार तीसरे वर्ष है। फास्टेस्ट मूवर स्टेट की बात करें, यानी राज्य की बात करें, जो सबसे अधिक शहरी स्थान निकाय वाले 13 राज्य है, उसमें से फास्टेस्ट मूवर स्टेट जो है वो कर्नाटका है। तो जैसा कि आपको पता है, अभी हम लोगों ने जाना कि 100 से अधिक शहरी स्थानीय निकाय वाले 13 राज्य है, उस 13 राज्य में छत्तीसगढ़ ऐसा है जो सबसे स्वच्छ राज्य का अवार्ड पाया है, और ये लगातार तीसरी वर्ष है। फास्टेस्ट मूवर स्टेट में कर्नाटक। फिर आता है 100 से कम शहरी स्थानीय निकाय वाले। जैसा कि आपको पता है, अभी आपने क्या देखा था, 100 से अधिक शहरी वाले राज्य थे, अब आप देख रहे हैं कि 100 से कम शहरी वाले राज्य, और ये कितने राज्य है, 14 राज्य है, यानी 14 राज्य। सबसे स्वच्छ राज्य का अवार्ड झारखंड को मिला लगातार दूसरे वर्ष। फास्टेस्ट मूवर स्टेट की बात करें, मिजोरम है। वाराणसी को सर्वश्रेष्ठ गंगा शहर घोषित किया गया। अगर आपको बात किया जाए 100 से कम शहरी स्थानीय निकाय वाले 14 राज्यों में, तो वाराणसी को सर्वश्रेष्ठ गंगा शहर घोषित किया गया। गांधीनगर को सबसे स्वच्छ राजधानी एवं रायपुर को फास्टेस्ट मूवर कैपिटल चुना गया। गांधीनगर को सबसे स्वच्छ राजधानी एवं रायपुर को फास्टेस्ट मूवर कैपिटल चुना गया। अहमदाबाद कैंट छावनी बोर्ड सबसे स्वच्छ छावनी बोर्ड घोषित की गई। यानी अगर कैंट छावनी बोर्ड की आपसे बात करता है, तो अहमदाबाद कैंट छावनी बोर्ड सबसे स्वच्छ छावनी बोर्ड घोषित की गई। बेस्ट स्टेट कैपिटल इन सिटीजन फीडबैक, सुनिएगा ध्यान से, बेस्ट स्टेट कैपिटल इन सिटीजन फीडबैक, जो कि लखनऊ को अवार्ड मिला है, लखनऊ उत्तर प्रदेश। यानी आपने देखा, बेस्ट स्टेट कैपिटल इन सिटीजन फीडबैक के मामले में लखनऊ उत्तर प्रदेश को वर्ष 2021 के सर्वेक्षण में कुल 4,320 शहरों ने भाग लिया। वर्ष 2021 के सर्वेक्षण में कुल 4,320 यानी 4,320 सिटीज ने पार्टिसिपेट किया। इसे दुनिया का सबसे बड़ा स्वच्छता सर्वेक्षण कहा गया। कचरा मुक्त शहरों के स्टार रेटिंग प्रोटोकॉल के अंतर्गत 3 स्टार और 5 स्टार रेटेड शहरों की घोषणा की गई। कचरा मुक्त शहरों के स्टार रेटिंग प्रोटोकॉल के अंतर्गत 3 स्टार और 5 स्टार यानी 3 स्टार एंड 5 स्टार शहरों की घोषणा की गई। 5 स्टार के तहत 9 शहरों को चुना गया। 3 स्टार के तहत 143 यानी 143 शहरों को चुना गया। सफाई मित्र सुरक्षा चैलेंज में भाग लेने वाले शहरों में इंदौर, नवी मुंबई, नेल्लोर और देवास शीर्ष प्रदानकर्ता के रूप में उभरे हैं। फिर से एक बार इस पे जिक्र करते हैं, सफाई मित्र सुरक्षा चैलेंज में भाग लेने वाले शहरों में इंदौर, नवी मुंबई, नेल्लोर और देवास शीर्ष प्रदर्शनकर्ता के रूप में उभरे। स्वच्छता सर्वेक्षण 2021 में महाराष्ट्र ने सबसे अधिक कुल 92 पुरस्कार जीते। यानी स्वच्छता सर्वेक्षण 2021 में महाराष्ट्र ने सबसे अधिक कुल 92 पुरस्कार जीते। अगला आता है पब्लिक अफेयर इंडेक्स 2021। तो जैसा कि आपने देखा, स्वच्छता के बारे में देखा, स्वच्छ सर्वेक्षण रिपोर्ट के बारे में आपने देखा, अब हम लोग बात करते हैं पब्लिक अफेयर, यानी दूसरा बात करते हैं पब्लिक अफेयर इंडेक्स 2021। अब देख लीजिए पब्लिक अफेयर इंडेक्स 2021। बेंगलुरु स्थित पब्लिक अफेयर सेंटर पीएसी का फुल फॉर्म बोला जाए तो पब्लिक अफेयर्स सेंटर्स कहां पर है, बेंगलुरु में है, द्वारा पब्लिक अफेयर्स इंडेक्स पीएआई 2021 जारी किया जाता है। तो बेंगलुरु स्थित पब्लिक अफेयर्स सिटी पीएसी के द्वारा पब्लिक अफेयर्स इंडेक्स पीएआई 2021 को जारी किया गया। यह इंडेक्स राज्य सरकार के गुणवत्तापूर्ण शासन व्यवस्था और विशेष रूप से कोविड-19 पर अंकुश लगाने में राज्य सरकारों की भागीदारी पर प्रकाश डालता है। इस बात को फिर से देखते हैं, बेंगलुरु स्थित पब्लिक अफेयर सेंटर पीएसी, पब्लिक अफेयर सेंटर जो कहां पर है, बेंगलुरु में स्थित है, पब्लिक अफेयर्स इंडेक्स पीएआई 2021
को जारी किया गया। यह इंडेक्स राज्य सरकार के गुणवत्तापूर्ण शासन यानी राज्य सरकार का जो क्वालिटी पूर्वक एडमिनिस्ट्रेशन है, शासन है, व्यवस्था और विशेष रूप से COVID-19 पर अंकुश लगाने में राज्य सरकारों की भागीदारी पर प्रकाश डालता है, यानी उस पर फोकस करता है। तो ओवरऑल परफॉर्मेंस में राज्यों की स्थिति की बात की जाए तो सब बड़े राज्यों में केरल, बड़े राज्यों में अगर देखा जाए तो केरल टॉप पे था, छोटे राज्यों में सिक्किम टॉप पे था, केंद्र शासित प्रदेश में पांडुचेरी यानी पुडुचेरी टॉप पे रहा। तो ओवरऑल परफॉर्मेंस राज्य की स्थिति क्या थी, बड़े राज्य में टॉप पे केरल रहा, छोटे राज्य में सिक्किम रहा और केंद्र शासित प्रदेश में पुडुचेरी रहा। ठीक है, इस सूची में जैसा कि पता है कि बिहार को 117वां स्कोर यानी 1.343 स्कोर के साथ इसको बिहार का 17वां स्थान मिला। उसके बाद आता है लॉजिस्टिक्स प्रदर्शन सूचकांक यानी लॉजिस्टिक्स प्रदर्शन सूचकांक तीसरा है। लॉजिस्टिक्स प्रदर्शन सूचकांक नेक्स्ट पॉइंट आता है लॉजिस्टिक्स प्रदर्शन सूचकांक 2021। इसके बारे में अगर ध्यान दिया जाए 2021 के बारे में तो नेशनल लॉजिस्टिक्स सूचकांक 2021 को वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय द्वारा जारी किया गया। किसके द्वारा जारी किया गया, वाणिज्य यानी कमर्शियल इंडस्ट्रियल मिनिस्ट्री यानी वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय द्वारा जारी किया गया। प्रथम स्थान गुजरात को मिला, पहला स्थान मिलता है लॉजिस्टिक प्रदर्शन सूचकांक लीड्स 2021 में, प्रथम स्थान गुजरात को मिलता है जिसका स्कोर है 3.66। द्वितीय स्थान पर हरियाणा आता है जिसका स्कोर 3.52 और पिछले रिपोर्ट की तुलना में सबसे बेहतर प्रदर्शन करने वाला राज्य उत्तर प्रदेश रहा है। पिछली रिपोर्ट की तुलना में सबसे बेहतर प्रदर्शन करने वाला राज्य उत्तर प्रदेश रहा है जिसका जिसका जो स्थान कितना है, छठा पे है। यहाँ पे प्रथम में गुजरात, द्वितीय पे हरियाणा और छठे स्थान पर उत्तर प्रदेश है। वर्ष 2021 में भारत के टॉप 10 पुलिस स्टेशनों की अगर सूची की बात करें यानी 2021 में टॉप पुलिस स्टेशन कौन कौन से रहे हैं, टॉप पुलिस स्टेशन यानी शीर्ष पर तो वर्ष 2021 में भारत के टॉप 10 पुलिस स्टेशनों की सूची की अगर बात करें, यह सूची गृह मंत्रालय द्वारा जारी किया जाता है, होम मिनिस्ट्री इसको जारी करता है। इस लिस्ट को जारी करने का उद्देश्य भारत के विभिन्न राज्यों में पुलिस स्टेशनों में सुधार करना होता है। तो इसको कौन जारी करता है, गृह मंत्रालय जारी करता है। तो अगर बात करें रैंक में पुलिस स्टेशन एवं जिला एवं राज्य की बात करें तो पहला रैंक सदर बाजार पुलिस स्टेशन जो नई दिल्ली में है, तो पहला स्थान कौन पाया है, सदर बाजार पुलिस स्टेशन नई दिल्ली में। द्वितीय स्थान जो पाता है, सेकंड पोजीशन, गंगापुर पुलिस स्टेशन जो गंजम जिला में है ओडिशा में। ठीक, नेक्स्ट तृतीय स्थान पर भट्टू कला थाना जो फतेहाबाद में है हरियाणा में। दसवां स्थान रामपुर चौराम थाना अरवल यानी कि बिहार में। तो जैसा कि पता है वर्ष 2021 के भारत के टॉप 10 पुलिस स्टेशनों की सूची में गृह मंत्रालय द्वारा जारी किया गया, पहला स्थान सदर बाजार पुलिस स्टेशन जो नई दिल्ली में, दूसरा स्थान गंगापुर पुलिस स्टेशन गंजम ओडिशा में, तीसरा स्थान भट्टू कला थाना फतेहाबाद हरियाणा में और दसवां रामपुर चौराम थाना अरवल बिहार में। तो जैसा कि पता है टॉप 10 पुलिस स्टेशन के, देखिए हमें पहला दूसरा तीसरा रखना याद होता है, टॉप 10 की बात है तो इसलिए दसवें का भी नाम हम लोगों ने ले लिया, तो रामपुर चौराम थाना अरवल बिहार में। तो इस प्रकार से आपने देखा कि स्वच्छ सर्वेक्षण 2021 में कौन सा टॉप पे रहा, पब्लिक अफेयर्स इंडेक्स 2021, लॉजिस्टिक प्रदर्शन सूचकांक 2021 टॉप पुलिस स्टेशन। तो कोई ऐसे भी पूछ सकता है लॉजिस्टिक प्रदर्शन सूचकांक 2021 का क्या उद्देश्य है। उसके बाद बात करते हैं सतत विकास लक्ष्य भारत सूचकांक 2020-2021। तो अगला है सतत विकास लक्ष्य, सतत विकास लक्ष्य
सतत विकास लक्ष्य, तो SDG सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल। तो सतत विकास का मतलब, जैसा कि पता है नाम से, सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल, इसका क्या काम होता है कि भविष्य में ऐसी चीजों को लाना जो दीर्घ आयु हो, जिसका आने वाली पीढ़ी भी क्या कर सके, उपयोग कर सके। वर्तमान तो करे करे, आने वाली पीढ़ी भी उपयोग करे और भविष्य में वो क्या हो, दीर्घ आयु की योजनाएं हो। तो यह रिपोर्ट नीति आयोग द्वारा जारी किया जाता है। सतत विकास लक्ष्य का रिपोर्ट नीति आयोग द्वारा जारी किया जाता है। संयुक्त राष्ट्र के 17 सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स को प्राप्त करने में सबसे पहला स्थान केरल ने पाया है। तो SDG की रिपोर्ट के मामले में कौन सा राज्य शीर्ष पर रहा है? केरल। कितना स्कोर था? 75। द्वितीय स्थान पर हिमाचल प्रदेश और तमिलनाडु रहे हैं, वो भी 74 स्कोर के साथ। तृतीय स्थान पर आंध्र प्रदेश, गोवा, कर्नाटक और उत्तराखंड रहा है 72 स्कोर के साथ, 72 स्कोर साथ। तो आपने देखा सतत विकास के लक्ष्य में सबसे प्रथम स्थान किसने हासिल किया? केरला ने किया, केरल ने किया, जिसका स्कोर कितना था? 75। द्वितीय स्थान हिमाचल प्रदेश और तमिलनाडु ने किया, जिसका स्कोर था 74। तृतीय स्थान आंध्र प्रदेश, गोवा, कर्नाटक और उत्तराखंड का था, जिसका स्कोर था 72। राज्यों में सबसे अंतिम स्थान बिहार, जिसका स्कोर 52 है। नीचे से दूसरा स्थान झारखंड का है, यानी बॉटम से दूसरा स्थान अगर देखें तो झारखंड का है, जिसका स्कोर 56 है। केंद्र शासित प्रदेशों में प्रथम स्थान चंडीगढ़ का है, जिसका स्कोर 79 है। विभिन्न क्षेत्रों में राज्य के द्वारा किया गया अच्छा प्रदर्शन, अब अगर बात करें कि डिफरेंट डिफरेंट सेक्टर में कौन कौन राज्य ने कितना कितना कैसा कैसा प्रदर्शन किया, तो गरीबी नहीं, यानी कि ऐसा कौन सा राज्य जहां पर बोला जाता है गरीबी नहीं, तो इसके लिए तमिलनाडु होता है। ऐसा कौन सा राज्य है जिसे बोला जाता है भुखमरी नहीं, तो वो केरल है। ऐसा कौन सा राज्य होता है जिसे बोला जाता है अच्छा स्वास्थ्य, तो गुजरात है। गुणवत्ता वाली शिक्षा यानी क्वालिटी एजुकेशन की बात करें तो वो है केरल। लैंगिक समानता यानी सेक्स जेंडर में कोई डिफरेंसिबिलिटी ना हो, यानी लैंगिक समानता हो जाते, छत्तीसगढ़। साफ पानी और सफाई, साफ पानी और सफाई पर बात करें तो गोवा। अच्छा काम और इकोनॉमिक ग्रोथ के बारे में बात करें तो हिमाचल प्रदेश। इंडस्ट्री, इनोवेशन और इंफ्रास्ट्रक्चर को लेके बात करें तो गुजरात। असमानता में कमी लाने वाला बात करें तो मेघालय। तो यानी आपने क्या देखा, कुछ राज्य हैं जिन्होंने काफी अच्छा प्रदर्शन किया, गरीबी नहीं तमिलनाडु, भुखमरी नहीं केरल, अच्छा स्वास्थ्य गुजरात, गुणवत्ता वाली शिक्षा केरल, लैंगिक समानता के बारे में बात करें छत्तीसगढ़, ठीक, साफ पानी और साफ सफाई, साफ पानी और सफाई के बारे में बात करें तो गोवा, अच्छा काम और इकोनॉमिक ग्रोथ के बारे में बात करें तो हिमाचल प्रदेश, इंडस्ट्री, इनोवेशन और इंफ्रास्ट्रक्चर की बात करें तो गुजरात, असमानता में कमी की बात करें तो मेघालय। तो दैट्स ऑल, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। दैट्स ऑल फॉर टुडे।